अगली खबर आ रही है शिवपुरी जिले से, जहां इंदार थाना क्षेत्र के पगारा गांव में एक महिला के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया गया। इसके बाद जब पति को इस बात का पता चला तो आरोपी ने महिला के पति को जबरदस्ती शराब में जहर मिलाकर मारने का प्रयास भी किया। पीड़ित महिला के पति को उपचार के लिए शिवपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित महिला ने बताया कि 28 दिसंबर की रात गांव का रहने वाला एक युवक उसके घर आ धमका। उस वक्त उसका पति घर में सोया हुआ था। युवक ने दरवाजा खटखटाते हुए बताया कि उनकी रस्सी से बंधी हुई बकरी छूटकर भाग गई है। जैसे ही महिला ने घर के बाहर बकरियों के पास पहुंची तो उस वक्त युवक ने उसका हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती उसके साथ रेप किया। चीख पुकार सुनकर पति घर से बाहर आया। पति को देख उक्त युवक मौके से भाग निकला। जिला अस्पताल में भर्ती युवक ने बताया कि 28 दिसंबर की रात पत्नी ने उसे सारा घटनाक्रम बताया, जिसके बाद में उक्त युवक की तलाश में घूम रहा था, परंतु वह उसे नहीं मिला और आज दोपहर उक्त युवक उसे मिल गया। पीड़ित ने बताया कि उसने बात करनी चाहिए तो उक्त आरोपी खेत पर चलकर बात करने की कहकर उसे ले गया, जहां उसने उसे जबरदस्ती शराब पिलाई। इसके बाद उसकी एकाएक तबीयत बिगड़ने लगी। उक्त युवक के द्वारा पीड़ित को शराब में जहर मिलाकर मारने का प्रयास किया गया। युवक को उपचार के लिए शिवपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल चौकी पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती पीड़ित महिला और उसके पति के बयान लेकर मामले की विवेचना शुरू कर दी। इंदार थाना प्रभारी केएल शर्मा का कहना है कि उन्हें इस मामले की सूचना प्राप्त हुई है। मामले की पड़ताल कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। तेरी बकरी बाहर निकल गई, तू बाहर आ। बाहर गई तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के पटक दी, मेरे साथ गलत कर दिया। गलत कर दिया मुझे तलवारी से, मैंने कहा खेत पे ले गए थे पे माती कही कहा ना, तो मैंने कही जी गलत कर दिया।